भोजपुरी सिनेमा जगत को पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इतना ज्यादा आगे बढ़ा दिया है कि अब हर कोई भोजपुरी में आना चाहता है। ऐसे में शरद कुमार, जो कि मराठी में फिल्में बनाया करते थे, अब वो भोजपुरी की तरफ रुख कर रहे हैं। दरअसल अक्षरा सिंह जैसी खूबसूरत हंसनी, जिन्होंने की भोजपुरिया जगत में बहुत ही नाम कमाया है, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, ये जो तमाम सुपरस्टार्स हैं, सब ने भोजपुरिया जगत को बहुत आगे बढ़ा दिया। आज हिंदी फिल्मों से बिल्कुल भी कम नहीं है भोजपुरी फिल्में। भोजपुरी सिनेमा की सुनहरे दौर में अब सभी आना चाहते हैं। इसी कड़ी में फिल्म अभिनेता शरद कुमार बड़े पर्दे पर खूब धमाल मचाने आ रहे हैं। बचपन से ही अभिनय का शौक पाले शरद ने रंगमंच में काफी समय देकर अभिनय की बारीकियां सीखी हैं। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में काफी वर्क कर चुके शरद अब भोजपुरी सिनेमा के रुपहले पर्दे पर नया साल जनवरी से धमाल मचाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। कनक फिल्म्स के बैनर तले जाने माने फिल्म निर्देशक अजय श्रीवास्तव के निर्देशन में निर्मित की जा रही दो भोजपुरी फिल्म दामाद जी किराए पर हैं और गौना में शरद कुमार अभिनय का जौहर दिखाने वाले हैं। उम्मीद है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी खूब प्यार शरद को मिलेगा। इन दिनों दोनों फिल्मों को लेकर शरद काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वे कहते हैं कि अभिनय मेरा पहला प्यार है जो मेरे रग रग में बसा हुआ है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अजय श्रीवास्तव के निर्देशन में मेरे अभिनय का जादू दर्शकों के सिर पर चढ़कर बोलेगा। तो देखने वाली बात होगी कि दर्शक क्या वाकई में शरद कुमार को अपनाते हैं, वही प्यार और वही दुलार देते हैं जो पवन सिंह, अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव को मिलता है। इस पर दीजिए ढेर सारी प्रतिक्रिया। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।